दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ज़रूर अपने फ़ोन की बैटरी बैकअप से परेशान होंगे, लेकिन आज के बाद ये परेशानी दोस्तों आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में एक ऐसा खुफिया सीक्रेट कोड के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आज आप अपने फ़ोन में सही से अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि कभी भी दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है जल्द जो समाप्त हो जाती थी वह जल्द समाप्त नहीं होगी, और आपकी जो बैटरी बैकअप है ना वह पूरे 72 घंटे तक चलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर में यह जो सीक्रेट कोड है ना, बहुत सावधानी से और सही तरीके से डालना होगा। और इस वीडियो के अंदर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताया हूं, उसे भी अपने फोन में करना होगा। अगर आप अपने फोन की बैटरी से परेशान हैं, चाहे आपके पास महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता फोन है और आपका फोन की बैटरी बहुत ही जल्द ही उतर जा रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए और इस सीक्रेट कोड को अपने फोन में अप्लाई कीजिए, और जो सेटिंग बताया हूं वह सेटिंग अभी आप अपने फोन में कर लीजिए तो आपकी जो फोन की बैटरी है 3 दिन तक चलने वाली है। तो वो कौन सी सेटिंग है, कौन सी सीक्रेट कोड है, इस सारी चीज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को वह सीक्रेट कोड कौन सी है यह सब कुछ बताएंगे, लेकिन सीक्रेट कोड बताने से पहले मैं आप लोगों को फोन की इंपोर्टेड सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसे भी करना बहुत जरूरी है, और लास्ट में मैं सीक्रेट कोड के बारे में बताऊंगा, उसे भी आप देखकर और कर ही जाइएगा। अगर आपकी फ़ोन की बैटरी जल्द ही समाप्त हो जाती है तो सबसे पहली सेटिंग जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, और पूरी सेटिंग भी ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। देखिए, आपका जो फ़ोन होगा ना, उस फ़ोन की सेटिंग में जाइएगा। जब फ़ोन की सेटिंग में जाओगे, फ़ोन की सेटिंग कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से स्क्रोल कर जब नीचे की ओर जाओगे ना, तो आपके फ़ोन में एक सेटिंग होगा, जिस सेटिंग का नाम होगा लोकेशन। दोस्तों, इस लोकेशन पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ध्यान से पहले सेटिंग को समझिए, यहां पर मैंने क्या बताया है। जब इस लोकेशन परमिशन पर आओगे ना, तो यहां पर आप लोगों को एक लोकेशन सर्विस का ऑप्शन दिखेगा ना, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो क्या देखोगे, यहां पर वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग का एक बटन है, यह दोनों ऑन है। और यहां पर जब स्क्रोल कर देखोगे तो यहां क्या देखोगे कि यहां ना तो ब्लूटूथ ऑन है और ना ही वाईफाई ऑन है, लेकिन जब यहां देखोगे तो यह दोनों सेटिंग ऑन है। दोस्तों, आखिर यह सेटिंग क्यों ऑन है, इस सेटिंग को ऑन होने से क्या नुकसान है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, यह हर फोन में ऑन होता है और बहुत से भाई को पता नहीं होता है, तो इस सेटिंग को आपको यहां से बंद करना है। अगर इस सेटिंग को नहीं बंद करेंगे तो आपका जो वाईफाई स्कैनिंग है और ब्लूटूथ स्कैनिंग है आपके फोन के बैकग्राउंड में अंदर ही अंदर रन करेंगे, और आपका फोन की जो बैटरी है बहुत ही तेजी से कंज्यूम होगी, समाप्त होगी। इसके लिए आपको यह जो दो सेटिंग है, लोकेशन के अंदर वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, यह दोनों बटन को बंद करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली सेटिंग आप लोगों को यह कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग भी बहुत ही मोस्ट सेटिंग है, उसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। दूसरी सेटिंग के लिए भी आपको अपने फोन की सेटिंग पर ही रहना है, और इस तरीके से स्क्रॉल कर जब नीचे की ओर जाओगे तो आप लोगों को एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम है दोस्तों एसिबिलिटी। इस एसिबिलिटी सेटिंग पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही एसिबिलिटी सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखोगे कि एक एडवांस सेटिंग नाम से एक सेटिंग खुलेगी, इस सेटिंग पर क्लिक करना है। अब इस सेटिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर क्या देखेंगे कि एक सेटिंग है, जिस सेटिंग का नाम है फ्लैश नोटिफिकेशन। आपको इस फ्लैश नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहां पर जब क्लिक करोगे तो क्या देखोगे कि कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन है, स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन है। दोस्तों, इस
को ऑन होने से क्या नुकसान है? देखिए दोस्तों, हर फोन के अंदर में यह दोनों सेटिंग ऑन होती है। उससे क्या होता है कि जब भी अगर यह सेटिंग ऑन है और आपके फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो कैमरा फ्लैश जो है ऑटोमेटिक जल जाएगा, जिसके कारण आपकी फोन की बैटरी अंदर ही अंदर समाप्त होगी। उसके लिए आपको इस बटन को बंद करना होगा। और दूसरी सेटिंग है यहां पर देखिए, स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आएगा तो स्क्रीन पर आपको लाइट जलेगी और बूतेगी, तो यह भी सेटिंग आपको बंद कर देना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन बार बार आएगी, स्क्रीन जलेगी, तो आपका बैटरी अंदर ही अंदर समाप्त जरूर होगा। तो यह दोनों सेटिंग को आपको बंद कर देना है। तो यह थी दोस्तों दूसरी सेटिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग भी बहुत ही मोस्ट सेटिंग है। तीसरी सेटिंग के लिए भी आप लोगों को अपने फोन की सेटिंग पर आना है और इस तरीके से धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम है अकाउंट्स एंड बैकअप। बहुत से फोन में इस सेटिंग का नाम होता है अकाउंट्स एंड सिंक नाम से, और सैमसंग के फोन में होता है अकाउंट्स एंड बैकअप के नाम से। तो पहले आप देख लेना कि आपके फोन में सिंक है या बैकअप है, आप उस सेटिंग पर ओपन करना, यानी उस सेटिंग को ओके करना। जैसे उस सेटिंग को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर में देखोगे ना, मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, आपके फोन का जीमेल, फेसबुक, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, यानी सब कुछ इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। सबसे नीचे की ओर जाओगे तो यहां पर आप देखोगे क्या कि ऑटो सिंक डेटा का एक ऑप्शन है और यह बटन ऑन है। इससे क्या होता है, देखिए दोस्तों, हमारे फोन में जितने भी चीज है सारे सिंक हो रहे हैं, अंदर ही अंदर सिंक हो रहा है, बैकग्राउंड में सारा चीज ऑटोमेटिक चल रहा है और हमें पता नहीं है, जिसके कारण हमारे फोन की जो बैटरी है अंदर ही अंदर पूरी समाप्त होती है और हमें पता नहीं होता है। तो आपको ये जो ऑटो सिंक डेटा है ना, इसको बंद करना है। ठीक है दोस्तों, इसको बंद कर ओके करना है, क्योंकि अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में सिंक होने के कारण में हमारी फोन की बैटरी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। चाहे आपकी फोन की बैटरी 6000-7000 एमएच की क्यों ना है, अगर आप अपने फोन के अंदर में सिंक डेटा को नहीं रोकते हैं तो अंदर ही अंदर बैटरी समाप्त होगी। तो आप लोगों को यह बटन जो है ना ऑफ कर देना है। तो यह सेटिंग आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी सेटिंग, जो लास्ट सेटिंग है, जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे थे कि एक कोड आपको डायल करना है और उस कोड से आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो उस सेटिंग के लिए आपको अपने फोन के डायलर पर जाना है। जब फोन के डायलर पर जाओगे ना, तो आपको एक कोड डायल करना है, *#0228। ध्यान से देख लीजिए यह कोड क्या है, *#0228, और लास्ट में आप लोगों को यहां पर हैश बटन डायल करना है। अब दोस्तों जैसे ही यह हैश बटन डालोगे ना, यहां पर देखोगे कि बैटरी स्टेटस लिखकर आ जाएगा और नीचे क्विक स्टार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आखिर इसका क्या मतलब है, ध्यान से पहले समझिए। देखिए दोस्तों, बहुत से भाई का फोन ऐसा होता है कि उनके फोन में कभी बैटरी परसेंटेज 80 दिखाता है और थोड़ी देर के अंदर में उनका परसेंटेज 100 दिखाने लगता है, किसी किसी का 20 दिखाता है तो 40 दिखाने लगता है। इसका मतलब है कि उनका जो अंदर की फोन की बैटरी है ना, वो समाप्त यानी कि डेड हो रही है। तो वैसे में अपने बैटरी को चेक करने के लिए यह कोड को डायल कीजिए। डायल करने के बाद में अब आप लोगों को यहां पर क्विक स्टार्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। जब इस तरीके से ओके करेंगे ना, फोन बंद हो जाएगा। फोन को ऑन कीजिए, इस तरीके से जो भी आपका लॉक है लॉक डालिए। उसके बाद में अगर आपका जो बैटरी परसेंटेज है जितना दिखाएगा, समझिए कि आपकी फोन की बैटरी सेम उतना ही परसेंटेज है। अगर आपके फोन की बैटरी खराब होगी तो जो भी रियल परसेंटेज होगा ना, वह आपको यहां पे शो कर देगा। अगर आपकी फोन की बैटरी अच्छी होगी तो जितना पहले दिखा रहा था उतना ही दिखाएगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस परसेंटेज पर। तो इस कोड से आप यह पता कर सकते हो कि आपकी जो फोन की बैटरी डेड हो गई है या नहीं, इससे यह पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे मोबाइल की कुछ सेटिंग और इस कोड के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी तो यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो, इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।